नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। खाद के मूल्य में अप्रत्याशित बढ़ोतरी, गेहूं खरीद में नमी के नाम पर लूट, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की पूर्ण विफलता, बढ़ती महंगाई और प्रदेश में चरम पर बेरोजगारी के खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल गुरुग्राम इकाई ने प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ सतीश जैन के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के नाम प्रेषित ज्ञापन डीसी गुरुग्राम को सौंपा। सतीश जैन ने मीडिया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया है कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण डीएपी खाद में प्रति बैग 700 रुपए की अप्रत्याशित वृद्धि से किसान की कमर को आर्थिक तौर पर तोड़ने का काम किया है। कृषि लागत, बढ़े हुए डीजल, बीज, कीटनाशक दवा, कृषि मजदूरी के दृष्टिगत आसमान छू रही है। भारतीय जनता पार्टी का किसानों से स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार लागत पर 50% न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद का वादा टूट चुका है। 2022 में किसान की आय दोगुनी होना दूर की कौड़ी प्रतीत हो रही है। सर्वविदित है कि आज प्रदेश में महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी में हरियाणा लगातार देश में पहले स्थान पर चल रहा है। गुरुग्राम से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। उसके लिए आप एक किसान प्रकोष्ठ के साथ में आए हैं, व्यापार मंडल के आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। सर, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है पूरे देश में, क्या कहना चाहेंगे? इसके किसान आंदोलन केवल ये हिंदुस्तान के अन्नदाता तक आ रही है। एक बात समझनी पड़ेगी और आपको प्रचार भी करना पड़ेगा इस गोदी मीडिया से बच करके। इस जो तीन कृषि कानून इन्होंने काले बनाए हैं, इनका प्रभाव जहां आम जनता पे पड़ेगा, इस देश का गरीब मजदूर नहीं बचेगा, मंझला और छोटा व्यापारी नहीं बचेगा, और किसान की जमीन हड़पने का इस भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र रचा है, वो इस बात को आदरणीय नरेंद्र जी मोदी भूल जाएं कि कारपोरेट हाउसेज 15 इस पूरे हिंदुस्तान को खा जाएंगे, ये संभव नहीं होगा। हम तन से मन से धन से इस आंदोलन को न तो फेल होने देंगे, और जब तक तीनों कृषि कानून ये रद्द नहीं करेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगर सरकार व्यवहारिकता से और ईमानदारी से नहीं मानती, तो सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये देखिए, सतीश जैन जी ने अपने वक्तव्य रखा, हम हारने वाले नहीं हैं, आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं हैं, आर पार की हो जाए होने दो, माँ बार बार जन्म नहीं देती, एक बार सभी को मरना है, जिसने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है, वो किस बार नहीं से मरता है वो भी धीरे निधान में है। और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी बहन जी, कितने दिन से बैठी है आप यहाँ पे? यहाँ पर 106 दिन हो गए हैं, गुड़गांव में धरना चलाएंगे। 106 दिन हो गए, आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम सरोहा है। सरोहा जी, तो सरोहा बहन जी, क्या लगता है ये गवर्नमेंट की मतलब एक हठधर्मिता है, ये हिटलर शाही है क्या है? बिल्कुल हठधर्मिता भी और हिटलर शाही भी जी। क्योंकि आप ये देखिए, लगातार 4.5 महीना से दिल्ली के चारों तरफ किसान लाखों की संख्या में बैठे हैं, और इतनी कड़कती ठंड में भी, बारिश में भी, और अब गर्मी में भी वो बैठे हैं, लेकिन सरकार जो है कहीं भी उनके अंदर एक मानवता भी नजर नहीं आ रही। 300 से ज्यादा किसानों की बहुत हो चुकी है बहन जी। एक 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 सुशांत राजपूत के मरने पे तो पूरा फिल्म स्टार भी इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी भी इकट्ठी हो जाती है, अदर्स पार्टियां भी रोना रोती है। 300 किसान मर चुके हैं अभी तक, सरकार की ये मतलब क्या कहूँ मैं इसको, हिंदू धर्म कहूँ या कौन सा धर्म का नाम? धर्म नहीं कहा जा सकता, ये किसी भी धर्म में नहीं आती। ये तो मतलब ये सोचो कि हिटलर शाही जी से भी एक और बड़ा हिटलर साबित होने जा रही है, क्योंकि जब देश के नागरिक है वो 300 किसानों की मौत में एक शब्द भी मोदी जी ना बोले, तो इससे साधा सीधा सीधा लगता है कि वो जन विरोधी है, जनता के विरोध में है, वो सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, और उनके चंगुल के फंसे होने के बावजूद उनको 130 करोड़ जनता जो देश की है उनको नरक की ओर ले जा रहे हैं। ये जो पत्ते जारी कर रहे हैं, निजीकरण का है, प्राइवेटाइजेशन का है, कृषि काले कानून जो ले गए, आम आदमी पे इसका जो प्रभाव पड़ेगा, इन सबको लेकर के आप देख सकते देश के अंदर अलग अलग तरीके से हर आदमी सड़कों पर, किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है, कर्मचारी लड़ रहे हैं, नौजवान अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, छात्र लड़ रहे हैं, चारों तरफ 6-7 साल से इन्होंने देश का नाश कर दिया है, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ी हुई है। 2014 में ये बड़ी भाषण बोलते थे कि बहुत हो चुका है अत्याचार, अब लाओ मोदी सरकार, लेकिन उसके बाद जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं कम नहीं हुए। आप देखिए, राष्ट्र के 2-2 बजे इसी रात में सरेआम लड़की को उसका शव को जला दिया जाता है। उसके साथ साथ इन्होंने महंगाई की बात की, महंगाई उस टाइम 2014 में अगर सिलेंडर 400 रुपये था, और ये सब इतनी ईरानी
उसके 860 रुपए, और उसके साथ साथ जो सब्सिडी का झूठा वायदा दिया था कि आपको सब्सिडी देंगे, जो है गरीब लोग का चूल्हा जलेगा, आपको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन सब्सिडी भी गायब है। इसके साथ साथ आप देखो इनको, मतलब कहाँ कहाँ इनकी गीत गाएं, कोई एक भी चीज नहीं है जो देश में। सर जी, 2 करोड़ रोजगार देने की भी बात कही। 2 करोड़ रोजगार की बात छोड़ो, इन्होंने तो लोगों के रोजगार छीन लिए हैं। आप देखो 1057 स्कूल हरियाणा के अंदर बंद करने जा रही है सरकार, और उसके साथ साथ जो है पीटीआई टीचर जो है लगातार 9 महीने से बैठे वो सड़क पे है, उसके साथ वहाँ भी काट दिए हैं। और एक जो हरियाणा की सरकार जो बोल रही है कि जेबीटी की जरूरत है, हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। एक तरफ तो अध्यापकों की जरूरत है, कई हजारों पद खाली पड़े हैं और ये कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, तो आज शिक्षा जो है वो बिल्कुल खतरे में है। तो इसके लिए हमें आम नागरिक को बहुत सोचना पड़ेगा गंभीरता से। ये जो सरकार बैठी है बिल्कुल देशद्रोही, तो इसी को कहा जा सकता है। तो इनको जो है हमें जो है इकट्ठे होकर के ही कोई सबक सिखाना पड़ेगा, और जनता लामबंद हो रही है, जल्द ही इनको। तो देखिए, ये मेरे साथ में बहन उषा सरोवा जी ने अपनी बात रखी है, और मैं इस मोरल को भी बता देना चाहता हूँ।